जारा और नानी के कुकिंग शो मध्ये आपला स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे झणझणीत कोल्हापुरी चिकन रस्सा। अभी जो मैंने बताया वो मराठी में बताया, अभी मैं बोल रही हूँ कि चिकन रस्सा ये महाराष्ट्र का कोल्हापुर का चिकन रस्सा है। एकदम झणझणीत बनता है, यानी बहुत ज्यादा तीखा और तर्रीदार बनता है। चलो बनाते हैं। आज मैं कोल्हापुरी चिकन ये मिट्टी के हंडी में बनाने वाली हूँ। आज बहुत ही मजा आने वाला है कोल्हापुरी चिकन बनाने में। चलो हम प्याज को फ्राई करने के लिए तवा रखते हैं। ये हमने चार प्याज लिया है और मोटा मोटा चॉप किया है। ये नारियल है, ये नारियल को भी मैंने इतना लिया है। ये कम से कम भी तो आधी बट्टी है। ये पहले हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे, फिर वो नारियल को भूनेंगे, क्योंकि नारियल हमारे बहुत जल्दी से जल जाते हैं। इसको भी थोड़ा हम ऑयल डाल के फ्राई करेंगे। प्याज को हमको अच्छे से ब्राउन करना है। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं एकदम अच्छे से। अभी ये खोबरे को थोड़ा सा हम कलर देंगे। वैसे खोबरे को पूरी अच्छी बाटी होती है, उसको गैस के ऊपर ही रख के उसको अच्छी तरह से भूना जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काला हो जाता है, इसके लिए मैं तवे पे भून रही हूँ। वैसे हमारी कोल्हापुरी चिकन का कलर थोड़ा सा डार्क ही होता है, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ। प्याज को भी मैंने अच्छा डार्क भून लिया है, खोबरे को भी हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। चलो ये तो फ्राई हो गया, अभी मैं गैस को बंद करती हूँ। अभी हम इसको मिक्सी में डालेंगे, इसका भी हम बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये है कांदा लहसुन मसाला, ये हमारा तीखा लाल मिर्च, ये हमारा गरम मसाला, ये हल्दी है, ये कलर वाला कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये धनिया पाउडर है। ये दो टेबल स्पून है, ये हाफ टेबल स्पून है, ये हाफ टेबल स्पून है, ये दो टेबल स्पून है, ये दो टेबल स्पून है, और ये तीन टेबल स्पून कांदा लहसुन मसाला है, ये भी मैं इसमें डालूंगी। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये दो चम्मच इसमें हम डालेंगे। ये चार हरी मिर्च लिया है और कोथमीर लिया है, उसका भी मैंने पेस्ट बनाया है, इसको भी मैं दो चम्मच डालूंगी। इससे भी हमारे करी को बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलो मैं इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। हमको हांडी पहले गरम करना पड़ता है, तो मैं एक 5 मिनट पहले इसको कम आंच के ऊपर गरम करने के लिए रखती हूँ, और इसमें मैं ऑयल भी डालूंगी। ऑयल भी मैं 3 से 4 बड़े चम्मच डालूंगी। ये मैं कम पर अच्छे से इसको गरम होने देंगे जब तक मैं अपना मसाला पीस लेती हूँ। ये 2 से 3 मैंने इलायची लिया है, और ये बिल्कुल थोड़े सा मैंने दालचीनी लिया है, इसके बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलो हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो रहा है। तेल भी गरम हो गया, इतना स्मूथ बढ़िया और अच्छा पेस्ट बन गया है। अभी हम ये पेस्ट को फ्राई करेंगे। मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला अच्छे से गरम हो गया है, यानी पकने लगा है, हम ये मिक्सी का पानी भी इसमें डालेंगे। और हम इसको अच्छे से ढक्कन लगा के पकने देंगे।
एक कम से कम 5 मिनट तक की इसको अच्छे से पकने देंगे। चलो मैं खोल के देखती हूँ हमारा मसाला कितना पक गया। मसाला अच्छे से तैयार हो रहा है। 2 मिनट और लगेंगे, 2 मिनट और लगेंगे। मैं अभी ढक के रखती हूँ। चलो मैं खोलती हूँ। मसाला हमारा अच्छे से पक रहा है। अभी ये 1 किलो चिकन है, मैं 1 किलो चिकन इस मसाले में डाल के अच्छे से भूनूंगी। चिकन को अच्छे से मसाले में हम भून लेंगे। हम थोड़ा नमक डालेंगे पकने में, फिर हम टेस्ट करके लगा तो हम डाल सकते हैं। थोड़ा हमारे बोटियों को भी मसाले के साथ नमक भी लगना चाहिए। हम थोड़ी देर इसमें मसाले में पकने देंगे, कम से कम 5 मिनट तक के मसाले में हम पकने देंगे। और साइड में मैंने गर्म पानी करने रखा है, वो हम चिकन पकने के बाद इसमें डालेंगे। अभी ये चिकन को भी हम ढक के पकाएंगे। चिकन हमारी अच्छे से पक गई है और मैंने साइड में जो पानी गरम करने रखा था वो भी मैं इसमें डालूंगी। इसको 2 मिनट अच्छे से हम पानी में भी पकने देंगे। देखिए उसका फिर ये जो तिरंग है देखो कैसा आ रहा है। हम 2 मिनट इसको ऐसा ही पकने देंगे। चलो हमारी कोल्हापुरी चिकन ग्रेवी तैयार हो गई है, अभी हम निकालते हैं। तैयार हो गया। अभी मैं टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। आज मैंने रोटी भी बनाई है। वाओ, बहुत ही बढ़िया। जैसा नाम है उसी तरह का झनझनीत रसा चिकन भी उतनी बढ़िया बनी है, उतना ही मज़ेदार बना है। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के बाय।